75 सालों में जो काम पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और चौधरी चरण सिंह नहीं कर पाए, वो अमित शाह ने कर दिखाया। सीना ठोक कर खुलवाया एलओसी के पास का मंदिर, और कश्मीर के इस मंदिर में 75 साल में पहली बार हुई नवरात्रि की पूजा। पाकिस्तान में मची खलबली, पहले 370 और अब घाटी के मंदिरों में घंटियां। सुनिए क्या है शाह का मिशन अखंड कश्मीर। कहते हैं कि अमित शाह जो काम करते हैं वो सीना ठोक कर करते हैं। पहले सीना ठोक कर संसद में कहा कि पीओके हमारा है, और अब पीओके से 500 मीटर दूर यानी कि एलओसी के पास का मंदिर माता रानी के भक्तों के लिए खुलवा दिया है, और इसी के साथ पीओके को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बारे में बताएं। उससे पहले ये तस्वीर देखिए और शेयर कर उन लोगों तक पहुंचाइए जो कहते थे कि पीओके भारत के लिए सपना है। एक कुपवाड़ा जिले के गाँव में स्थित माँ शारदा का मंदिर है, जिसे 18 महाशक्ति पीठों में गिना जाता है। यहाँ माता सती का दाहिना हाथ गिरा था। आजादी के बाद पहली बार इस नवरात्रि में विधि विधान से माता रानी की पूजा हुई। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए देश विदेश से लोग आते थे, ठीक वैसे ही शारदा पीठ भी दुनिया भर में लोगों के लिए पढ़ाई का बड़ा केंद्र था। पहली शताब्दी में कुषाण साम्राज्य ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन बाद में जितने भी आक्रमणकारी हिंदुस्तान आए उन्होंने इसे नष्ट कर दिया। कई राजाओं ने बनवाया, पर जब मोदी सरकार आई तो यह मंदिर खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका था। यूं तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू खुद कश्मीरी पंडित थे, इंदिरा गांधी का भी कश्मीर से नाता रहा है, लेकिन ना तो किसी प्रधानमंत्री ने इस पर ध्यान दिया और ना ही किसी गृह मंत्री ने। लेकिन जब पीएम मोदी के साथ मिलकर अमित शाह ने कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्लान बनाया, तभी यह तय कर लिया गया कि मां शारदा मंदिर के दरवाजे खुलवाए जाएंगे, पूजा पाठ वाली संस्कृति पर वापस लौटेंगे। पर इसमें सबसे बड़ी चुनौती इस बात की थी कि जो मुख्य शारदा मंदिर है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नीलम नदी के किनारे है। इस मंदिर का हिस्सा एलओसी यानी कि नियंत्रण रेखा पर भारत की सीमा में पड़ता है, और उसी हिस्से पर अमित शाह और स्थानीय लोगों के प्रयास से जब भव्य मंदिर तैयार हुआ तो इसी साल अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में शांति नहीं है, वो ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस मंदिर का निर्माण जिस समिति ने किया है उसमें 3 स्थानीय मुस्लिम, 1 सिख और 1 कश्मीरी शामिल है। शाह ने इस मंदिर के निर्माण से साफ संदेश दिया है कि अगला नंबर पीओके का आने वाला है, क्योंकि मां शारदा का मंदिर वहां भी है। शाह ने उस वक्त भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पुरानी परंपरा, संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब की वापसी हो रही है। शारदा पीठ भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और विरासत का केंद्र रहा है। मोदी सरकार करतारपुर कॉरिडोर की तरह शारदा पीठ को भी श्रद्धालुओं के लिए खोलने के लिए आगे बढ़ेगी। शाह ने ये बातें मार्च 2030 में कही थी, और अगले 2 महीने में ही पाकिस्तान इस बात पर राजी भी हो गया। लेकिन उसे इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं भारत अचानक से पीओके को लेकर कोई ऐलान न कर दे, क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर की बात अलग थी, शारदा पीठ तो भारत का ही है और उस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है। इसलिए ऐसा हुआ तो फिर पीओके भी हाथ से निकल जाए, इसलिए पाकिस्तान ने सुरक्षा का हवाला देकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहां भी राजनीतिक उथल-पुथल का दौर चल रहा है, लेकिन जब एलओसी के पास मां शारदा की पूजा हो चुकी है तो फिर पीओके के मंदिर में घंटियां बजने में भी वक्त नहीं लगेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में बताइएगा, और ये स्टोरी उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिन्हें लगता है कि पीओके का सपना बहुत दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।